नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। महिलाओं को नगर विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश तिवारी का बड़ा समर्थन। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। महिलाओं का कहना कि बार बार सड़कों पर देखे, इस बार ओम प्रकाश तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी को वोट देंगे। ओम प्रकाश तिवारी के विधायक बनने से हम लोगों के क्षेत्र में विकास कर होंगे। तमन्ना जी, किस गांव के रहने वाले हैं, किस विधानसभा के रहने वाले हैं? कौन का नगर विधानसभा का है? अकबरपुर का। अकबरपुर का जी, किसको इस बार वोट करेंगे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को करेंगे। प्रत्याशी कौन है, मालूम है? नहीं। ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश तिवारी जी, उम्मीद है जीतेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। हाँ, करेंगे। मेरा नाम है पूनम। हाथ को पंजा के कांग्रेस के, कांग्रेस के। हाँ, उम्मीदवार जीती तो कुछ करी? हाँ हाँ, पर इंदिरा जी राज में बहुत कुछ रहा है, जब हार गई तब से तकलीफ हो गई। साहेब मिला बिमला। कौन सा गांव के हैं? भड़ारा। केकरा के इनसे के जिताई? बेटे हाथ के पंजा के। हाथ के पंजा के जिताई? हाँ। हाथ के पंजा के लिए अच्छा काम करेगी? हाँ हाँ, सब कुछ करेगी। हमारा नाम है साहेब पूनम। किसको चाहते इस बार जिताना? कांग्रेस के। हाँ? कांग्रेस के। तो क्या उम्मीद है, जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे क्षेत्र में? हाँ, ठीक करेंगे, मदद करेंगे आप लोग। हाँ, चाहते अपने यहाँ से विधायक बनाना, के क्या आपका शुभ नाम पड़ेगा? मेरा नाम लालू प्रसाद बिंद है। अंतिम ग्राम सभा जो सदर का आता है, बिलहरी ब्लॉक का जो है, जो सदर में फर्स्ट ग्राम पड़ता है, पुरास ग्राम सभा का मैं निवासी हूँ। और इस बार चुनाव में एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो प्रियंका जी के चली है, और जो कांग्रेस की लहर चली है, आज जो किसानों युवाओं की और बेरोजगारों के साथ जो ये सरकार कर रही है, पूरे युवाओं में रोष है, किसानों में रोष है कि 700 किसान मर गए लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनी। लास्ट में सरकार माफ़ी मांग रही है। अब जी आपके क्षेत्र से कौन मिले प्रत्याशी हैं? हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी अभी बहुत ही अच्छे व्यक्ति को दिया गया, जिसका नाम है ओम प्रकाश तिवारी, जिन्होंने लगातार संघर्ष, आज से वो नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी एक जाना सुना नाम है, हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले नाम है, हमेशा वो संघर्ष किए हैं इस बीच में। रामनाथ व्यास। रामनाथ जी, किस गांव से बिलोंग करते हैं? ग्राम सभा कनेला है जी। किसको चाहते हैं इस बार जिताना, किस विधायक बनाना चाहते हैं? हमारा तो ये विचार है कि पूरा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, बलिया सदर में ओम प्रकाश तिवारी जी भारी मतों से विजयी होंगे, इसलिए कि ब्राह्मण बेल्ट है बलिया जिला में सबसे ज़्यादा, और ब्राह्मण के एक पार्टी स्तर पर बड़े अच्छा कार्यकर्ता के रूप में इनको प्रियंका गांधी ने टिकट दिया है और कांग्रेसी हैं, तो ब्राह्मण विधायक बनेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे? विधायक बनेंगे तो बलिया नगर की सड़क को आप देखते हैं सबसे खराब, यहाँ पर शुक्ला जी मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन कोई सड़क नहीं बनी है। उनके दरवाजे पर हम लोग गए एक बार, शादी था कार्ड लेकर, तो उनके दरवाजे पर ठेवना भर पानी में हेल कर हम लोग गए। हम कहे कि भाई अब क्या करते हैं, अब तो मंत्री हैं, लेकिन आज तक भी वही सड़क है। अमर प्रसाद गुप्ता है जी। किसको आपके क्षेत्र से, किस गांव से बिलोंग करते हैं, कहां से? हनुमानगंज जी। किसको चाहते हैं इस बार विधायक बनाना? इस बार तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए, इसलिए कि देश गुलाम है, देश को आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। ओम प्रकाश तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, ओम प्रकाश तिवारी को विजयी बनाना है और देश को आज़ाद करना है।